स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नहीं भैया ने फोन किया था ज्योरी से निकल के करके। ओ भाई साहब फुल फील्डिंग बिछा रखी है क्या? ये देखो कितना बड़ा गद्दा है, ब्रिज के बीचों बीच। हमारा गाड़ी कैसे गया जाते वक्त? मतलब इतना सिर्फ इतना सा टायर था यहाँ पे, बाकी बाहर था पूरा। भाई क्या भगा के आए, लॉर्ड ऑल्टो। सॉरी ऐसे नहीं, लॉर्ड ऑल्टो। फंस गई है गाड़ी ना वहाँ पर, तो गड्ढे में फंस गए, पंचर हो गया, कुछ तो हुआ है, गड्ढे पे फंस गया। एक छोटी सी इमरजेंसी आ चुकी है, शायद हो सकता है यहाँ से हम दिल्ली ना जाएं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। तो ऐसी अपने कमरे की कुछ हालत, सब कुछ बिखरा हुआ है, यहाँ चीजें चार्जिंग पे लगी हुई है, रात को एक गलती हो गई, घड़ी चार्जिंग पे लगाना भूल गया, ये देखो रेड साइन आ रहा है ना, चार्ज ही नहीं है, बाकी सारी चीजें चार्ज है, और यहाँ से निकलने की तैयारी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम हैं ज्योरी में। आज हम या तो शिमला पहुंच जाएंगे या चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। रास्ते का नहीं पता रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि नारकंडा में इतनी ज्यादा स्नो है ना, वहाँ धीरे धीरे जाना पड़ेगा। समीरन रात को ही नहा चुका था, मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे ऐसे करके। देखो भाई पजामे के ऊपर पजामा, पजामे के ऊपर पजामा, सोच लो कितनी ठंड है यहाँ, बहुत तगड़ी ठंड है, तगड़ी। दो दो कंबल करके सोए थे, वो भी मोटे मोटे कंबल, देखो ना कितना मोटा कंबल है, दो कंबल। हीटर वीटर नहीं मिला हमें यहाँ पर ना, नहीं मिला, बस दो चोरी कपड़े पहन के सोया था। हाँ तो मोटे मोटे पजामे तो उतारे ही नहीं हमने भाई, पहन के ही सोएंगे, ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड लगेगी तो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो आगे का टूर खराब हो जाएगा। लो भाई अपना सारा सामान सेट, आधा हाथ में है आधा उसके हाथ में है, और सामान हम ज्यादा लेकर आए ना है, मिठाई के डब्बे दोनों आते हमारे साथ। और अभी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज है, बहुत बढ़िया, मतलब जो हमारी लॉर्ड 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 ऑल्टो है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, खुल जा सिम सिम, हमारी लॉर्ड 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 ऑल्टो वो यहाँ आ चुकी है हमारे पास, दिखाएं आपको, दिल खुश हो जाएगा। और अपना जब से ये बैग आया ना बेचारा खुला ही हुआ है, इसी में सामान निकालो इसी में डालो, आज इसको फाइनली पैक कर लेंगे यार, बहुत सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है ना गाड़ी में, इसको नो चेंज लोड होने के लिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हमारी लॉर्ड ऑल्टो वापसी आ चुकी है और पूरी मॉडिफाई करवा दी है। ये देखो भाई सबसे मेन चीज इसका गियर नॉब, देखो ऐसा लग रहा है तलवार लगा रखी है। पहले बाहर आते हैं फिर आपको आराम से दिखाते हैं, मेरा तो देख के दिल खुश हुआ जा रहा है भाई, क्या चीज बना दिया ऑल्टो को, सब कुछ चेंज है इसमें, लाइट, बम्पर, अंदर एक एक चीज, गियर नॉब हो गया, स्टेयरिंग हो गया, इवन इसको ना पुश बटन स्टार्ट कर रखा है, चाबी घुमाने की जरूरत ही नहीं है, रेसिंग सीट लगाई हुई है। आओ एक बारी आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर बैठ के ऐसा फील आ रहा है जैसे लॉर्ड ऑल्टो में नहीं बैठे हम, लॉर्ड 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 ऑल्टो में बैठे हैं। इसको तीन बारी लॉर्ड लगा दिया इसके साथ। ये देखो पूरा स्टीयरिंग चेंज, यहाँ से पुश बटन स्टार्ट है, गियर नॉब आप देखोगे गियर नॉब पूरा चेंज है, रेसिंग सीट लगाई हुई है, और मेरे को तो लग रहा है डैशबोर्ड में भी कुछ ना कुछ चेंज करा हुआ है। दरवाजे ऊपर वो खुलते हैं, सबसे मेन चीज भाई साहब लॉर्ड ऑल्टो में सनरूफ है, यहाँ से बटन पुश किया और ये सनरूफ ऊपर, और ये पूरी की पूरी निकल भी जाती है अगर आप निकालना चाहते हो तो, यहाँ से आराम से अपनी मुंडी वुंडी बाहर निकालो, पहाड़ों के मजे लो। देख के ना इसको दिल खुश हो गया यार, अपना भी कुछ ऐसा ही मकसद है कि अपनी लॉर्ड ऑल्टो को भी कुछ ऐसा ही बनाना है। स्टार्टिंग तो हमने करी थी घूमते घूमते, हम यहाँ निकल आए हैं, अच्छा लग रहा है ना, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या देखूँ, सही है एक बारी बाहर से और देखते हैं। टायर वायर सब चेंज करा रखे हैं, और ये कुछ हमारे भाई लोग सब यहीं से हो ना लोकल है, लेकिन बहुत बढ़िया बना रखी है टायर चेंज। आगे की लाइट है देखो ना पिंक कलर की भाई, ऐसा लग रहा है ये कलर चेंज हो जाता है, अरे वाह वाह देखो क्या तगड़ी चल रही है। एक चीज़ और बताऊँ, हमने भी सोचा था ऐसे वाले टायर डालेंगे, लेकिन उन्होंने बताया बम्पर काटना पड़ेगा, इसलिए हमने ज़्यादा हड़दंग मचाया नहीं, लेकिन भाई ने काट दिए बम्पर, सही लग रही है। एयर इनटेक देखो कहाँ से दिया हुआ है, तगड़ा एक दोस्त लगा रखा भाई, खतरनाक है ना। हमारी मिनी कूपर में से ऐसी आवाज नहीं आती थी जैसे इसमें आ रही है, भगाते हुए तो और आएगी, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वेल्वा ट्रॉनिक लगा दी इन्होंने, बटन दबाओ एग्जॉस्ट चालू, बटन दबाओ एग्जॉस्ट गायब। चलो भाई लॉर्ड ऑल्टो को बाय करने का टाइम, लेकिन एक बार इसका सिस्टम भी सुनाएंगे, और सारे भाइयों को बाय बाय यार, अच्छा लगा सबसे मिलके। और कहाँ गए वो भाई, ये टोपी वाले भाई ने इनमें काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया भाई, मैं भी आऊँगा अपनी गाड़ी लेके, कर दोगे ना
ज्यादा पैसे तो नहीं लोगे? नहीं नहीं नहीं, पक्की बात है, पक्की बात। चलो सही है, जिनकी ये गाड़ी है वो बंदे मिस है, वो कहीं गए हुए हैं आगे, तो उनका फ्रेंड गाड़ी लेकर आया था, तो भाई बहुत बेहतरीन गाड़ी बना रखी है, दिल खुश हो गया। ऐसी चीजें देख के ना वीडियो में डालने का मन करता है कि हमने देखी है, बाकी सबको भी दिखाएं कि मार्केट में ऐसी चीजें भी हैं। अभी एक बार इसका सिस्टम सुनाते हैं आपको। एमपी लगाया हुआ है, पीछे वूफर भी लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट, मतलब पूरी गाड़ी फुल पैक है, कुछ कमी नहीं है इसमें। सिस्टम के लिए भी स्पेशल बटन, ये स्पीकर वाला है। ओके, अच्छा इसको ऑन करोगे तो स्पीकर ऑन होएगा, ये वूफर के लिए हो गया। अगर ये ऑफ रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा। हाँ जी, चलो भाई अच्छा लगा यार मिलके। भाई भी आ गए थे, कहाँ गए थे आप? मैं किन्नौर गया था, घर कटगांव का। अच्छा अच्छा, अभी आए सीधा वहीं से? हाँ जी भैया। चलो ठीक है, चले फिर। तो यही भाई है जिनकी वो गाड़ी है, समीरन के पास नंबर था, समीरन को कॉल आ गया था एक बार हमसे भी मिलते जो, तो हमने गाड़ी रोक ली थी, और कह रहे हैं आगे एक तगड़ा सा वाटरफॉल भी है, वो भी देखते जाओ, 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल पास में ही है, तो देखते हुए जाते हैं उसको। चलो बाय बाय, बाय बाय गुड़िया, कितना प्यारा बच्चा है, बाय बाय। भाई जो भी कहो गाड़ी लग एक नंबर रही है ना, मतलब लग रहा है बंदे ने मेहनत करी है गाड़ी पे ना, और एग्जॉस्ट तो एक नंबर है। ये भी हमारे साथ वाटरफॉल पे जा रहे हैं, वाटरफॉल देखते ही आगे निकल लेंगे, यहाँ से जाएंगे हम अंदर उस वाटरफॉल के लिए ना। ये मेन रोड है, अंदर सारा ऑफ रोड है। ओके वो रहा सामने, भाई साहब चील देख रहे हो कितनी बड़ी है, चील है या बाज है? बाज ही लग रहा है भाई ये तो। भाई दिखा दिखा, बाज है, कितने सारे बाज है यहाँ पर, बाज मैंने एक साथ पहली बार देखे है। ये इनका इलाका होगा। तो ये सामने वाटरफॉल है, इसके नीचे भी हम अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? गाड़ी तो हमने कल धुलवाई दी थी, लेकिन गाड़ी बहुत ऊंची है ना, टेंट ऊपर से धुलना रह गया था, भैया की हाइट ही नहीं पहुंच रही थी, तो मैंने बोला सीढ़ियां वीढ़ियां लगा लो, कह रहे जितनी धुलती मैं उतनी धो देता हूँ, ये वाटरफॉल के नीचे टेंट भी धुल जाएगा बढ़िया से। भाई एग्जैक्ट वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए हैं, ये देखो गाड़ी में सब तरफ से पानी आ रहा है, ऊपर से भी देखो, आगे से, पीछे से। कुछ भी लीक नहीं हो रहा भाई, हमारी सनरूफ एकदम कामयाब है। ओ भाई आते टाइम तो मैंने देखा ही नहीं, भाई पुल गायब है बीच में से, वो देख। हाँ। भाई ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है, ब्रिज के पीछों बीच। हमारा गाड़ी कैसे गया जाते वक्त? मतलब इतना, सिर्फ इतना सा टायर था यहाँ पे, बाकी बाहर था पूरा। अच्छा जी, मैं पीछे से देख रहा था, मैं बोलने वाला था मतलब पीछे से कि रुको रुको। हाँ ठीक है आ जाओ, यहाँ भी एक गड्ढा है, यहाँ भी है। लो जी लो, अब हम निकल गया फाइनली अपनी मंजिल की ओर। यहाँ हम गूगल मैप पे लगा रहे हैं शिमला, देखते हैं कितना टाइम दिखाता है, और हमारी डिस्प्ले भी बहुत गंदी हो रही है, उंगली पे ना निशान दिख रहे हैं धूप में इस पे ना। तो हमारे गूगल महाराज बता रहे हैं 4 घंटे 16 मिनट, 3:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 136 किलोमीटर। और ये जो गूगल टाइम दिखा रहा है ना 3:30 बजे का, ये तब दिखा रहा है अगर हम बिना रुके जाते हैं तो, लेकिन रस्ते में रुकेंगे, खाएंगे, फिर नारकंडा आएगा, वहाँ बर्फ उड़ाएंगे, उसमें भी 2-3 घंटे जाएंगे, तो हम पहुँचेंगे 6-7 बजे। अगर इतना टाइम हो जाएगा शिमला ही रुक जाएंगे, अगर 3:30 या 4 बजे करीब पहुँच जाते हैं तो उतर जाएंगे नीचे चंडीगढ़ तक, या दिल्ली पहुँच जाएंगे, देख लेंगे जैसा भी होता है। बर्फ़ तो आपने बहुत देख ली भाई, अभी आप देखो हिमाचल की ग्रीनरी, पेड़ ही पेड़, 3-4 दिन से बर्फ़ ही बर्फ़ देख रहे थे ना, सामने वाला पहाड़ पूरा हरा भरा। दिल्ली 494, चंडीगढ़ 262, शिमला 142। भाई हमारे पे 130 दिखा रहा है, 12 किलोमीटर फालतू लिख दिए इन्होंने। ऑफ रोड सेक्शन आ गया, वो देख दूर तक नज़र आ रहा है, सारा ही ऑफ रोड है। सामने का शहर क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम रंग बिरंगे घर। कौन सा शहर है वैसे ये? मुझे नहीं पता कौन सा शहर है, लेकिन सुंदर लग रहा है। गूगल मैप पे लिखा आना चाहिए ना कहाँ पहुँच गए हम। पेट्रोल पम्प लिखा रहा है। कैसे हो, ठीक हो, सब बढ़िया? कैसे हो? बढ़िया। तुमने दूर से देख ली थी क्या गाड़ी? नहीं भैया ने फोन किया था ज्योरी से निकल के करके। ओ भाई साहब फुल फील्डिंग बिछा रखी है क्या इन्होंने, दूर से ऐसे 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 कर दिया। इस बार भी आपने स्टोरी नहीं डाली ना, आ रहे करके। इस बार तो डाली हमने, पहले। अच्छा अच्छा,
हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर। रामपुर भी काफी बड़ा शहर है, रात को हमको यहीं रुकना था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम ज्योरी रुक गए। और ज्योरी वाले भाइयों ने ना पूरी फील्डिंग बिछा दी है, रास्ते में सब जगह फोन कर दिया, प्रभजोत भाई निकल रहे हैं रोक लेना। हमने स्टोरी वोरी ज्यादा लगाई नहीं, क्योंकि चलते चलते ना ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, स्टोरियाँ भी ध्यान रखें, रील भी बनानी है, यूट्यूब की वीडियो बनानी है, सारे भाई लोगों से भी मिलना है, उनके साथ फोटो भी करवानी है, तो भूल जाते स्टोरी लगाना, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से लगा दी स्टोरी। फैल जाओ, रोक लो। ये है रामपुर का प्लेग्राउंड, मैच चल रहा है भाई क्रिकेट, देखना क्या रुक के, लेट हो जाएंगे ना। हाँ लेट हो जाएंगे यार। हाँ नहीं तो देखो यहाँ भी खड़े होकर देख रहे हैं लोग, ऊपर से भी इन्होंने बालकनी वाली टिकट ले रखी है ऊपर से ना। हे भगवान, कितनी यादें ताज़ा कराओगे, हमारी जिप्सी का ओरिजिनल कलर यही था, ऐसा लग रहा हमारी ही है ना। वो भी देख रहे थे। अच्छा वो भी देख रहे थे। पहले लॉर्ड ऑल्टो से मिलवा दिया, अभी जिप्सी से मिलवा दिया, करना पड़ेगा लॉर्ड ऑल्टो को ना रेडी करना पड़ेगा, उसका टाइम आ गया है, उसको रेडी करके पहाड़ों पे लाएंगे, ऐसी ऐसी जगह लाएंगे, ऐसी ऐसी जगह घुमाएंगे ना, आप बोलोगे वाह वाह प्रभजोत भाई वाह वाह। तो वैसे हम उस साइड से आ रहे थे, आगे निकल गए थे, यू टर्न मार के यहाँ पर आए वापसी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ। एक कोको के लिए ले लेते हैं। अच्छा भाई, मैं क्या बोल रहा हूं ना? भाई कितने बढ़िया बढ़िया हैं। गाड़ी छोड़ देता है, दोनों भाई दोनों दो घोड़ा लेते हैं भाई। ये दो घोड़े हमें ले जाएंगे क्या दिल्ली तक? ले जाएंगे भाई। क्या दिया, कौन से वाला लेगा भाई? मेरे को तो ये सही लग रहा है। या ये वाला देखिए, रंग बिरंगा भाई। भाई देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा घोड़ा ना हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने लेना कोको के लिए है। वैसे घर में रखा हुआ तो अच्छा लगेगा। कितने का भैया ये? 1150 का। घर में रख लो वो भी अच्छा है ना। ये 1150 का। और ये वाला 550। ये 350। वैसे कोको के लिए तो ये भी सही है। डरेगा कोको इससे? डरेगा तो नहीं भाई, इसको फाड़ फूट देगा। जैसे पांडा को उड़ा दिया ना, इसने पांडा लाए थे उसके लिए इसका पेट खोल के सारी रुई हुई बाहर निकाल दिया है। ये अच्छा लग रहा है ना। बैठ जाऊं पूरा भार डाल के? मजबूत तो है, मेरे को लगा ऐसी खाली शो पीस के लिए है। आराम से बैठ दो इस पे, बैठ के सुबह सुबह बैठ के चाय पी रहे हैं। मम्मी का फोन आया, कहाँ पर हो? मैं घोड़े पे बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ। घोड़े पे बैठ के चाय पी रहे हो? तो मैं फाइनली हमने ये घर में सजाने के लिए ले लिया, और ये कोको खेलने के लिए ले लिया, दोनों ले लिया। डालो भाई, देख रहे हो डिफेंडर का कमाल, घोड़ा भी इसमें बैठ के जाएगा। ये दोनों को ना ऐसे बिठा दे बस, इसको भी सीधा कर देना, इसके तान बजेगा ना ऊपर। हाँ टांड लगेगी। चल ठीक है, लेटा रहने दे, सुला दे फिर इसको भी सुला दे, सोते सोते जाओ दोनों ना, नींद पूरी कर लो, घर जाके खेलेंगे। फाइनल डिफेंडर के अंदर डाल दिया घोड़ा। ये देखो हमारे कितने छोटे सब्सक्राइबर, इसका नाम है बेबो मुश्किता, मोक्षिता। अच्छा मोक्षिता ठाकुर। कितना प्यारा बच्चा, गाल देखो इसके सेब की तरह लाल हो रहे हैं। तो ये अपने भाई लोग कहाँ से आ रहे हो तुम पीछे पीछे? कहाँ से? किंगल। किंगल कितने किलोमीटर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। हेलो जी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड ऑल्टो देखने को बहुत मिलती है, आप भी उसी पे हो ना? यहाँ देखो लॉर्ड ऑल्टो दिखा दो भाई। क्या भगा के लॉर्ड ऑल्टो? सॉरी ऐसे नहीं, लॉर्ड ऑल्टो। चलो भाई फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, आराम से जाना भैया। छोटे को हेलो। ओके ओके भैया, छोटे को हेलो। अब आएगी स्नो ही स्नो, क्योंकि आने वाला है नारकंडा, उसके बाद आएगा कुफरी, फिर आएगा शिमला। काफी ज्यादा स्नो अभी भी यहाँ पर, मेरे को लग रहा है रोड पे नहीं मिलेगी, सारी पिघल गई होगी। वही तो आएगा क्या? मतियाना। मेरे को लग रहा है जितनी स्नो हमें ज्यादा टाइम मिला था ना, उतना नहीं मिलेगा, अभी पिघल गया होगा। धूप बहुत ना, तगड़ी धूप निकली हुई है। स्नोफॉल हो रहा था लाइव जिस दिन, हाँ जिस दिन हम जा रहे तब तगड़ा हमने स्नोफॉल लाइव देखा था, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अभी तो रोड से भी गायब हो गई है, कीचड़ कीचड़ रह गया खाली, पूरा रोड ये स्नो से भरा हुआ था। टायर देखो कैसे घूम रहा है। उसका टायर स्लिप मारा है, गिर गया उनका। ओ भैया की बोरी गिर गई, ये कपड़े को उतारे भैया ने, लेकिन गर्मी लग रही होगी शायद। रोड से ना सारी बर्फ साइड लगाई हुई है, ये जो बड़े बड़े पहाड़ बने हैं ना रोड की साइड में, ये साइड कर रखी है, और अच्छी बात भी है, नहीं तो इतनी ब्लैक आइज होती है ना, गाड़ी झूमते हुए जाती है। ये देखो रोड पे पानी डालने के लिए, ताकि फिसलन थोड़ी कम हो जाए। ये लो जी पहुंच गए हम लोग नारकंडा, शिमला रह गया 64 किलोमीटर खाली, सारी बर्फ गायब हो गई है, नहीं तो पूरा भरा हुआ था पूरा। और ये मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है सामने। ये आगे वाली गाड़ी में भी टैंकियाँ रखी हुई है ना, ये पानी गिरा रहे रोड पे ना, ब्लैक आइस पानी गिरा रहे हैं, हाँ ताकि फिसलन ना रहे। ये देखो भाई आगे ट्रक पे क्या लिखा हुआ है, बीवी रहे टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। ये मतलब क्या, मतलब क्या है इसका, ये क्या कहना चाह रहा है ये?
मैं समझ नहीं पा रहा, मैं जा रहा हूँ ट्रक से आगे, मेरे को नहीं बात करनी तेरे से। आज की डेट पे हमको दिखता है ना लोगों से एक टी सवाल ही जा रही है। ये कह रहा है दो के बाद फुल स्टॉप, पहले दो फिर उसके बाद फुल स्टॉप। सही है, क्या क्या लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, ये आगे ब्लैक आई भाई। जगह का नाम मतियाना, लेकिन हम फिर बार बार आ जाते हैं क्योंकि जगह ही ऐसा है। हाँ, कि मतियाना होके भी आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से निकलना है कहीं जाना है तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मतियाना तो खूबसूरत है बहुत, है ना? है, अच्छा है। लोग जैसे नारकंडा घूमने आते हैं तब भी उनको मतियाना आना पड़ेगा। जितने भी बंदे शिमला आते हैं ना, वो कुफरी और नारकंडा, नारकंडा में बहुत बर्फ होती है, कुफरी तक घूमने आ जाते हैं, जब कम बर्फ होती है तो नारकंडा तक आ जाते हैं, फिर मतियाना होके निकलना पड़ता है। अच्छा बना हुआ, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है लेकिन सुंदर है। आई थिंक आगे ना ज्यादा ब्लैक आइज है, इसकी वजह से गाड़ियां ना रुक रुक के निकल रही है। पहले वहां से गाड़ी को आने दे रहे हैं, फिर यहाँ से गाड़ी जाएगी। ये रोड पे आपको नजर आ ही रहा होगा, ये देखो देखो लॉर्ड ऑल्टो आगे साइड से, इसको कोई नहीं रुक सकता। जय हो प्रभु की जय हो। ट्रक की हवा निकाल रहे हैं, थोड़ा और बैलेंस बना के चल लेगा। ये देखो ना पूरा आगे ब्लैक ही ब्लैक है। फंस गई है गाड़ी ना वहां पर, गड्ढे में फंस गए, पंचर हो गया, कुछ तो हुआ है, गड्ढे पे फंस गया शायद, उसकी वजह से पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। अब अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है, ये जो भाई हाथ हिला रहे ना, कैसे हो, ठीक हो? अरे यहाँ का रुकोगे जाम लग जाएगा। फिर मिलते हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अपना नेक्स्ट प्लान जो है ये है, रेट भी पता लग गया, सीटर भी पता लग गया, खड़े खड़ा है, क्योंकि अपने को ये लेके ना कुछ इम्पोर्टेंट करना है, कुछ हमारे ड्रीम थे, एक और भी है ये जारी, लगती तो अच्छी है आगे से। कुछ हमारे सपने थे जिनको हमने पूरा करने की कोशिश करते, वो अधूरे रह गए, तो अब उनको पूरा करेंगे। कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? एकदम बढ़िया, बढ़िया है। कैसे हो भैया आप? हेलो, कैसे हैं? भैया फोटो कराना है आपके साथ। हाँ, कराओ ना, कराओ। कैसे हैं? ठीक है, एकदम बढ़िया। बढ़िया स्टोरी बनाना मेरी। हाँ जरूर। तो रह गया सिर्फ 79 किलोमीटर का पेट्रोल, हम सोचे टैंक फुल करवा लें, लेकिन लाइट चली गई यहाँ पर, और जब तक लाइट नहीं आएगी चलेगा नहीं। क्या क्या लाइट चली गई? वो क्या तो रहे, लाइट चली गई। चलो यहाँ बढ़िया, इनके पास जनरेटर भी है, जनरेटर इन्होंने ऑन कर दिया, अब डल जाएगा पेट्रोल। पहाड़ों में ऐसा बहुत होता है, वो देखो गाड़ी वाले ने बैक ली, इस गाड़ी वाले ने यही ब्रेक मार दी, बस वाले ने साइड में डाल दी, उस बेचारे गाड़ी वाले की गलती भी नहीं थी, उसको बैक लेनी पड़ी क्योंकि सामने बस थी। हमेशा जीतता बड़ी गाड़ी वाला है। ये क्यों खड़ा है, चल क्यों नहीं रहा? लेकिन ये देखो अब चला, ये कौन सी खड़े होने की जगह भाई। लो भाई शिमला पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी भी देखो भीड़ कितनी। आई थिंक ये ऑफिस छूटा होगा, कॉलेज वाले छूटा होगा ना, सारे घर जा रहे हैं अपने अपने। भाई सुबह हैवी पराठे तो हमने खा लिए थे, अब है जूस का टाइम, सेहत भी तो बनानी है। चीयर्स मेरे भाई, ये हमारी सेहत के नाम। हल्का खट्टा है लेकिन चलेगा, मज़ेदार है। देखो हमें पांडा मिल गया, कोको का पांडा है, लेकिन कोको ने तो उसको ऑपरेशन कर दिया, बीच में तो फाड़ दिया है। चेक कर रहा था अंदर क्या क्या है, अभी देख रहे हैं, और कुछ भी ले ले। देखो हम किसके लिए शॉपिंग करेंगे, कोको के लिए, कुछ भी दिखता ना, ऐसे खिलौने विलौने आ जाते, पहुंच जाते हैं, ये भी लेना ये भी लेना, पैक कर दो, कोको जब फाड़ देता फिर और लेकर जाते हैं। तो भाई फाइनली हमने यूनिकॉर्न लिया कोको के लिए, और एक चीज़ और दिखाओ, मैं तो कोको के लिए बिल्ली ले रहा था, ये वाली, बाद में पता चला ये तो असली बिल्ली है। बोल भैया यूनिकॉर्न की जगह ये दे दो। हेलो, एक और भी है वो बैठी। निकल गए हम लोग जूस वूस पी के, अभी देखते हैं कहाँ गाड़ी की ब्रेक मारते हैं, जब तक रोशनी रहेगी तब तक चलाएंगे, जैसी थोड़ा सा अंधेरा होगा गाड़ी की ब्रेक लगा लेंगे, वहीं रुक जाएंगे। भाई बहुत सारी टॉयज की दुकान है यहाँ पर। हाँ। लो भाई देखते देखते अंधेरा हो गया, और टाइम हो चुका है 7:06, पूरा अंधेरा दूर तक। भाई शिमला में ऐसा तगड़ा जाम मिला ना, मतलब क्या बताऊँ, 1-1.5 घंटा वहीं फंसे रहे, शिमला से आधा पौना घंटे नीचे आएंगे, अभी भी यहाँ से चंडीगढ़ 2.5 घंटे बता रहा है, दिल्ली कम से कम 6 घंटे बता रहा है। तो हम सोच रहे हैं अभी ट्रैवल नहीं करते रात को, और कुछ एक अर्जेंट काम भी आ गया अपने को, मतलब छोटी सी इमरजेंसी आ गई, छोटी कह लो बड़ी कह लो, वो आपको एक बारी होटल पहुँच के बताते हैं। तो हम सोचे यहीं पर होटल ले लेते, रात को ट्रैवल नहीं करते, दिन में उठ के फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। चलिए होटल में मिलते हैं सीधा। हाईवे पर चलते चलते अपने को दिखा पकौड़ों की दुकान, तो यहाँ से हमने बॉइल्ड एग लगवाए हैं, साथ में मैगी लगवाई है, साथ में चिकन के पकोड़े लगवाए हैं, और फिश भी लगवाई है, सारा कुछ यहीं पर खा के जाएंगे, यहीं पेट भर लेंगे सारा का सारा। लो भाई आ गए अपने बॉइल्ड एग, और यहाँ आ गए अपने सब्सक्राइबर भाई लोग, कैसे हो? ठीक सर, आप बताओ। नहीं रहते हो यहाँ? सब बढ़िया एकदम। बढ़िया सर, घूमने आए थे? हम तो वैसे ही निकल रहे थे यहाँ से, हमने सोचा खाते चले जाए, गाड़ी देख के आपकी, फिर तेरा नंबर। अरे अरे अरे,
लो भाई फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा रूम। और आज हम सारा सामान उठा लिया, ये भी बैग उठा लिया अपना, ये बड़े वाला बैग भी उठा लिया। सब कुछ इसलिए उठा लाए क्योंकि हम सोच रहे हैं आज ना अपना सामान अच्छे से पैक कर लेते हैं। सारा का सारा बिखरा हुआ है, गंदे कपड़े दूसरे बैग में, साफ कपड़े तीसरे बैग में, तीसरा तो है ही नहीं, दो ही बैग है, साफ कपड़े पहले बैग में। सारी तैयारी व्यारी करके कल से हम दोबारा अपने स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे, ठंड वाले जूते गायब, ठंड वाले जूते पैक कर देंगे, जो दूसरे जूते वो पहन लेंगे। और एक छोटी सी इमरजेंसी आ चुकी है, शायद हो सकता है यहाँ से हम दिल्ली ना जाएं, अपने को कहीं और जाना पड़े। अभी कच्चा पक्का है, फाइनल होता है फिर आपको बताते हैं, कल के व्लॉग में पता लग जाएगा क्या इमरजेंसी है, कहाँ जा रहे हैं। तो यहीं से हमें ऐसे करके गायब होना पड़ेगा और ज़रूरी है, जाना ही जाना है, जहाँ जाना है ना, इतना ज़रूरी काम है। तो देखते हैं जैसा भी होता है हैंडल करते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा। यहाँ तक आपने देख लिया लाइक करें, अपना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते थे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सो जाओ आप भी। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।